कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर नेशनल प्रेस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन की न्यूज़। आज 3 जुलाई संडे 2022 सुबह के 11:30 बजे और हम हस्ब मामूल अम्बेवली ईस्ट में जो ये NRC लिमिटेड इस साइट पे हैं और हमारा रेगुलर सा वीडियो बना रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एवरी सैटरडे आई यूज टू मेक नॉलेजेबल वीडियो अबाउट द सेड ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ गौतम अदानी, मगर आज हम संडे के दिन आए क्योंकि सैटरडे शाम हो जाती थी और कवरेज बराबर नहीं हो पाता था, बारिश का भी दिन है और अंधेरा छा जाता था। तो हम दिन दिवाले आए तो हम देख रहे हैं कि अब जब से रेबेल शिवसेना के जो जिनको लीड करे एकनाथ शिंदे, तो अब इन्होंने तो सत्ता महाराष्ट्र की संभाल ली है और 29 जून को उद्धव बाला साहब ठाकरे ने अपना रेजिग्नेशन जमा कर दिए थे और उन्होंने वर्षा जो CM का बंगला है उसे तो पहले ही खाली कर चुके थे। तो 30 जून को एकनाथ शिंदे ने शपथ ली CM ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। तो अब इनका बैकिंग तो BJP कर रही है, इस लिहाज से यहाँ के जो साइड है जो गौतम अदानी की जो 650 एकड़ पे ये अपना टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो देखिए कि हाल फिलहाल में भी स्पीड काफ़ी बढ़ चुकी है और अब तो चारों उंगली घी में और सर कढ़ाई की कहावत परफेक्ट बैठ रही है गौतम अदानी पे, क्योंकि अब महाराष्ट्र स्टेट में भले ही शिवसेना के रेबल्स की हुकूमत बनी लेकिन उनको पूरा समर्थन हमारे PM नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और जो कि फडणवीस है जो कि डिप्टी CM बने, हालांकि उनका पूरा इरादा पूरा सपना CM बनने का था महाराष्ट्र का, लेकिन उन्हें दिल्ली से आदेश आया कि आप DP CM बनिए और उन्हें बनना ही पड़ेगा। भले ही वो बगावत कर रहे थे कि मैं बाहर से समर्थन करूंगा, गवर्नमेंट में नहीं आऊंगा, लेकिन आना ही पड़ेगा क्योंकि हर किसी को कुर्सी चाहिए और हर किसी को कुर्सी का लालच होता ही है। एक तीन बड़ी मशीन काम कर रही है, ये फ्रंट में है और वर्कर्स भी है यहाँ पे, और दूसरी मशीन वो पीछे काम कर रही है, वहाँ पे भी काफ़ी वर्कर हैं और लास्ट वन जो है यहाँ पे ये राइट साइड में काम कर रही है, वहाँ पे भी काफ़ी वर्कर है। तो अब गौतम अदानी ये कोशिश करेंगे कि ये जो 2.5 साल की हुकूमत बनी है, क्योंकि अगला इलेक्शन होने के लिए महाराष्ट्र स्टेट में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होने 2.5 साल बाकी है, तो गौतम अदानी पूरी कोशिश करेंगे कि अब ये 2.5 साल का जो मौका मिला है जहाँ पे BJP भी सत्ता में आई है, पिछले 2.5 साल जो सत्ता में नहीं थी, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए जितना जल्दी हो सके जितने रिक्वायर्ड परमिशन है जितना भी हर्डल है उसको सेटल करें, क्योंकि कह नहीं सकते कि 2.5 साल बाद फिर किसकी हुकूमत बनेगी, महाविकास आघाड़ी की हुकूमत बनेगी, शरद पवार सोनिया गांधी उद्धव बाला साहब ठाकरे की मिलकर हुकूमत बनेगी कि BJP और ये जो शिवसेना के रेबल्स जिनको एकनाथ शिंदे लीड कर रहे हैं उनकी हुकूमत बनेगी, कि ये जो शिवसेना के रेबल्स है 39 रेबल्स है वो भी वो रह पाएंगे या नहीं, उनको टिकट मिलेंगे या नहीं, वो इलेक्शन जीतेंगे या नहीं, या फिर वापस सर झुका के और हाथ जोड़ के उद्धव बाला साहब के पास वापस आ जाएंगे। आखिरकार वीडियो बनाने का लबो लबाव ये है कि यहाँ पे काम चालू है और संडे होते हुए भी काफ़ी फुल फ्लेज में काम चालू है और गौतम अदानी जो कि अदानी इंटरप्राइजेस के चेयरपर्सन है और ना जाने कितनी कंपनियां उसकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग है, 6-7 कंपनी लिस्टिंग है, तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि जितना जल्द अज जल्द होए ये काम कंप्लीट करें और जो उनका सपना है ये 650 एकड़ लैंड पे अपना डेवलपमेंट का अंडर टाउन प्लानिंग एक्ट के उसे जल्द अज जल्द कम्प्लीट करें। खुदा हाफिज़। Friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe, and please press the bell icon button. Thank you.